हेलो, गुड इवनिंग. आई एम डॉक्टर संजय सोनी. आई एम ए बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन. आज मैं आपसे लाइपोसक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा. लाइपोसक्शन एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें बॉडी के किसी पार्ट से अनवांटेड फैट को रिमूव करते हैं, जैसे कि आर्म्स हैं या साइड में हैंडल्स हैं, इनको लव हैंडल्स बोलते हैं, टमी हैं, थाइज हैं या नेक और चिन है. लाइपोसक्शन प्रोसीजर बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के फैट निकालने के लिए आइडियल प्रोसीजर है. और आप सबको ये पता होना चाहिए, इट्स नॉट ए वेट लॉस सर्जरी, इट्स ए फैट लॉस सर्जरी. और आइडियल कैंडिडेट वो हैं जिनका एक पर्टिकुलर एरिया से फैट निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं. प्रोसीजर में हम अफेक्टेड पार्ट में एक स्पेशल फ्लूड इंजेक्ट करते हैं जो कि उस एरिया के फैट को मेल्ट कर देता है. उसके बाद स्पेशल सक्शन मशीन के द्वारा उसको फैट को रिमूव करते हैं. इसमें बेसिकली तीन टेक्निक्स होती हैं. एक बेसिक लाइपोसक्शन है जिसमें मैकेनिकल लाइपोसक्शन मशीन से फैट को रिमूव किया जाता है. सेकेंड इसमें एडवांस टेक्निक, इसको पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन बोलते हैं, जिसमें कि जो कैनुला जिससे हम फैट निकालते हैं वो मशीन के थ्रू वाइब्रेट करता है. और इसका ये फ़ायदा होता है कि फैट ज़्यादा अच्छे से रिमूव होता है और जल्दी रिमूव होता है. थर्ड टेक्निक है, उसको वेजर बोलते हैं. ये लेटेस्ट लाइपोसक्शन टेक्निक है. इसमें एक अल्ट्रासाउंड प्रोब के द्वारा हम उस पार्ट में अल्ट्रासाउंड वेव्स डालते हैं जिससे कि उस एरिया का फैट मेल्ट हो जाता है. ये लेटेस्ट टेक्निक है जिससे फैट बड़ी जल्दी मेल्ट होता है और उसको रिमूव करना ईजी हो जाता है. इसके अलावा इस टेक्निक का ये फ़ायदा है कि उस एरिया की स्किन बड़ी जल्दी कॉन्टैक्ट करती है और पोस्ट ऑप पीरियड में आपका जो कंटूर है बहुत अच्छा निकल कर आता है. थर्डली इस टेक्निक से ये फ़ायदा होता है कि जो फैट हमने रिमूव किया है उस फैट को हम रीयूज कर सकते हैं. जैसे कि किसी पार्ट में आपको फैट इंजेक्ट करवाना है या कोई फैट जैसे चीक्स है या होलो आइज है उनमें उस फैट को इंजेक्ट कर सकते हैं. लाइपोसक्शन के बाद यूजली हम पेशेंट को अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं और 48 आवर्स के बाद उस एरिया के लिए हम कंप्रेशन गारमेंट्स पहनने के लिए बोलते हैं. इन कंप्रेशन गारमेंट्स का दो फायदे होते हैं. एक तो स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करते हैं, दूसरा उस पार्ट की कंटूरिंग में भी हेल्प करते हैं. अगर उस कंप्रेशन गारमेंट पहनने के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ फॉलो कर सकते हैं और आफ्टर 2 वीक्स और वेन एवर यू फील कम्फर्टेबल आप अपनी लाइट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं. लाइपोसेक्शन की कॉज 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फर्स्टली जो एरिया इन्वॉल्व है, हम कितना एस्टिमेटेड फैट इसमें से रिमूव करना चाहते हैं. सेकेंडली टेक्निक ऑफ लाइपोसेक्शन, जैसे कि वेजर टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक है, दैट इज़ कॉस्टलियर देन द बेसिक लाइपोसेक्शन. एंड थर्डली द एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन, जिस सर्जन से आप ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं वो कितना एक्सपीरियंस है. बिफोर गोइंग फॉर लाइपोसेक्शन प्लीज़ मेक इट श्योर कि जो आपके सर्जन हैं बोर्ड सर्टिफाइड हैं और उनका कितने साल का एक्सपीरियंस है. सेकेंडली लाइपोसेक्शन इज़ ए कंटूर करेक्शन सर्जरी, इट्स नॉट ए वेट लॉस सर्जरी. अगर आप जनरलाइज ओबेसिटी है तो इट्स नॉट ए राइट प्रोसीजर फॉर यू. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर फैट डिपॉजिट है उसके लिए लाइपोसेक्शन आइडियल प्रोसीजर है. थर्डली अगर आप किसी पर्टिकुलर डे के लिए लाइपोसेक्शन करवाने जा रहे हैं, लाइक आपकी एंगेजमेंट है या आपका बर्थडे है या आपकी मैरिज है, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप जरूर देना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर लाइपोसेक्शन. एंड लास्टली लाइपोसेक्शन के लिए आइडियल कैंडिडेट वो है जो अगर आप लाइपोसेक्शन के बाद अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट को मेंटेन करते हैं, देन यू आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर लाइपोसेक्शन.